हे गाइस, तो फाइनली Asus ZenFone Max Pro M2 रशिया में लॉन्च हो चुका है एंड ये डिवाइस इंडिया में 11 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। Flipkart ने भी इसे टीज करना स्टार्ट कर दिया अपने वेबसाइट में एंड इसका टीजर भी आउट हो चुका है। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी फ़ोन के बारे में, लाइक हमें इसमें क्या अपग्रेड देखने को मिलेंगे एंड क्या नए फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे एंड इसके प्राइस के बारे में आगे चल के बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @techylens। मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम में, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेहिचक DM कर सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूँगा एंड दैट्स बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो पीछे की तरफ आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है और राइट साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड उसके नीचे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है और इसके अलावा आपको सेंटर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और उसके ठीक नीचे Asus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप फ़ोन को अच्छे से देखते हो तो आपको कुछ इस तरह के टिमटिमाती लुक देखने को मिलती है और अगर हम आगे की तरफ नज़र डालें तो फ्रंट में आपको 6.3 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ आपको नॉच भी देखने को मिल जाता है। और इसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर Asus इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ भेज रहा है जो कि काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि ये आपको फ्लैक्सिबल लेवल में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी एंड हमें शायद इसका हायर वेरियंट भी देखने को मिल सकता है, लाइक हमें Asus ZenFone Max Pro M1 में देखने को मिला था। और अगर हम बैटरी की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, लेकिन इस बार भी हमें पहले की तरह माइक्रो USB देखने को मिलता है जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है यूजर्स के लिए। और अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो हमें यहाँ पर 13+12 MP का डुअल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में हमें 5 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा एंड वंस अगेन हमें इसमें भी Asus ZenFone Max Pro M1 की तरह हायर वेरिएंट में अपग्रेडेड कैमराज देखने को मिल सकते हैं एंड कैमरा की स्पेक्स देख के तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी तगड़ी लग रही है, लेकिन देखना पड़ेगा ये डे टू डे लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है। एंड इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो डब्बे के बाहर आपको ये डिवाइस में एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा। अगर हमें इसमें एंड्रॉयड पाई देखने को मिलता डब्बे के बाहर तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं एंड Asus ZenFone Max Pro M1 की तरह हमें इसमें भी स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट और ब्लोटवेयर्स के झमेले नहीं रहते एंड हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें आपको डुअल स्लिम प्लस HD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्स प्रो M1 की तरह विद डुअल वोल्टी सपोर्ट। तो ये था पूरा पैकेज जो आपको Asus ZenFone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा एंड प्राइस के बारे में तो अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है Asus को इसे कितने प्राइस के अंडर में लॉन्च करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था आपके लाइक्स और कमेंट्स से मेरे को बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।